वेलकम अगेन टू माता सावित्री किचन। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीट रूट स्मूदी की। बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए देखिए मैंने बीट रूट, गाजर, दही, केला, आमंड्स और खजूर ले लिए हैं। इन सबको एक ब्लेंडर जार में हम ऐड करेंगे। सबको सारी चीज़ों के इकट्ठे ऐड कर दीजिएगा। और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम, एक कप के करीब। और इनका अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे, इनको अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। सर्विंग ग्लास मैंने ले लिया है, इसमें हम स्मूदी को सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी स्मूदी तैयार हुई है, बहुत हेल्दी भी है ये। आप इसे बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए इसके ऊपर मैं थोड़े से आमंड्स और ग्रेट किए हुए कैरेट ऐड कर दूंगी, सिर्फ गार्निशिंग के लिए, ऑप्शनल है, आप ऐड कर भी सकते हैं नहीं भी। और ये बीट रूट स्मूदी बनके तैयार है, बिल्कुल हेल्दी। आप इसे ब्रेकफास्ट में यूज़ कीजिए, बहुत बेनिफिशियल है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।